रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी, और इस मुख्य आरोपी को एक चैनल सेलिब्रिटी का दर्जा देता है, इंटरव्यू के लिए बुलाता है। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू के बाद रिया पूरी तरीके से नारकोटिक डिपार्टमेंट की रडार पर आ चुकी है। आपको बता दें कि नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से खबरें आई है कि रिया चक्रवर्ती का ये जो इंटरव्यू था ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया था। मामले को पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती अभी भी वही कर रही है जो शुरू से करती आई है, मिसलीड करना और मैनिपुलेट करना। कहा जा रहा है कि मामले की छानबीन के लिए ये इंटरव्यू नहीं किया गया था, बल्कि ये इंटरव्यू एक पीआर स्टंट था, साथ ही लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ये इंटरव्यू किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी जेलने की कोशिश की गई। अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में जनता जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रही थी और रिया चक्रवर्ती को कल्प्रिट कह रही थी, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम ने उनके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की है जिसके तहत हर रोज रिया चक्रवर्ती को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। कल इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत जिनकी डेथ हो चुकी है उन पर एलिगेशंस लगाए, बीमारियों के नाम बताए और कहा वो तो पहले से ही ऐसा था। बहुत शर्म की बात है कि आप अपने आप को उनके हम सफर कहती हैं और बताती हैं कि वो तो बीमार था। इतना ही नहीं, आज तो रिया चक्रवर्ती की टीम ने सुशांत की मॉम जो इस दुनिया में नहीं है और जिससे सुशांत सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनके ऊपर भी अटैक कर दिया और उन्हें भी डिप्रेस्ड बताने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती ने आज स्मिता जो उनकी एक फ्रेंड है उनके साथ की चैट भी वायरल कर दी है, यानी कि ये पिछले एक दो दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। परसों रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स को लेकर सारे मामले सामने आए। रिया चक्रवर्ती की सीबीआई की पूछताछ जल्द ही आने वाली थी, उन्हें समन ऑलरेडी कर दिया गया था। इन दोनों के बीच में ही रिया चक्रवर्ती एक इंटरव्यू कर देती है और लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। साफ साफ जाहिर होता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो अब रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम की तरफ से शुरू की गई है।